एक स्टूडेंट को 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी, लेकिन उस लॉटरी से उसे 1 रुपया नहीं मिला, उल्टा उससे ही किसी ने 1 लाख रुपए ठग लिए, जो कि उसकी फादर की डेथ के कॉम्पनसेशन के थे और उसने अपनी मम्मी से अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए मांगे थे। बट पैसे उससे किसने ठगे थे, ना ही वो उसका नाम जानता था और ना ही एड्रेस, बट अब उसे उस फ्रॉड आदमी को ढूंढ कर उससे अपने 1 लाख रुपए वापस लेने थे, क्योंकि उसने अपनी मम्मी से झूठ कहा था कि उसको अपनी कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए, जबकि सच तो ये था कि उसने फीस भरी ही नहीं थी और फीस अभी भी पेंडिंग थी। गाइस, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, बिकॉज इस कहानी से आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। आज की कहानी शुभम की है, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी में बीएस सेकंड ईयर में है। नाम ऑब्वियसली मैंने चेंज कर दिया है फॉर प्राइवेसी रीजंस। कुछ सालों पहले उसके फादर की एक ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी एंड उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था कि अब आगे की जिम्मेदारी उसको उठानी है एंड अपनी मम्मी को आराम की जिंदगी देनी है। फाइनेंशियली वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे, घर का खर्चा शुभम की मम्मी चलाती थी क्योंकि वो लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। इसी वजह से शुभम ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब डीएक्टिवेट कर दिए थे और अपने सभी दोस्तों का साथ भी छोड़ दिया था ताकि वो पढ़ाई में फोकस कर सके। एंड उसके फोन में सिर्फ जरूरी एप्स रहती थी, एक व्हाट्सएप था जिससे वो अपनी क्लास के नोट्स ले पाता था एंड एक पेटीएम था जिससे वो अपने घर के बिल्स, रिचार्ज वगैरह की ऑनलाइन पेमेंट करता था। कभी फ्रस्ट्रेट होता तो टीवी देख लेता था और टीवी में भी कौन बनेगा करोड़पति का बहुत बड़ा फैन था। अब हुआ कुछ ऐसे कि कॉलेज का सेकंड ईयर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था एंड अब वो थर्ड ईयर में जाने वाला था। थर्ड ईयर की फीस कॉलेज में सबमिट करने का टाइम आ चुका था और कॉलेज भी प्राइवेट था तो फीस भी हाई थी, तकरीबन 1,20,000, और उसकी फीस उसके फादर के डेथ के कॉम्पनसेशन में से जाती थी और ये बात उसे बहुत चुभती थी। बट उसके लाख जोर मारने के बावजूद भी उसको कोई जॉब नहीं मिली क्योंकि शुभम को कोई काम पर रखता ही नहीं था। कंपनीज उसे ये कह के रिजेक्ट कर देती थी कि अभी तुम स्टूडेंट हो, इंटर्न हो और हम पे नहीं करेंगे, और फुल टाइम जॉब वो कर नहीं सकता था क्योंकि उससे उसकी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता। इसी दौरान एक दिन शुभम को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि उसकी 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है एंड अनफॉर्चुनेटली वो मैसेज कौन बनेगा करोड़पति की लॉटरी का था। अब पैसों की दिक्कत तो ऑलरेडी थी, ऊपर से कॉलेज की फीस भरने का प्रेशर और ऊपर से वो कौन बनेगा करोड़पति का फैन था, तो शुभम को लगने लगा था कि अमिताभ बच्चन ने खुद उसे उसकी गरीबी मिटाने का मौका दिया है। वो बड़ा खुश था, उसने सोचा कि एक बार पहले पैसे आ जाएं, उसके बाद वो अपनी मम्मी को सब बताएगा। अब उसने लॉटरी वाले को फोन मिलाया तो एक आदमी ने फोन उठाया और उसने शुभम को कहा कि लॉटरी का अमाउंट फ्रीज करने के लिए उसे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि अगर नहीं दिए तो ये लॉटरी रोटेट हो जाएगी और किसी और के पास चली जाएगी। शुभम के दिमाग पर जिम्मेदार बनने का इतना प्रेशर था कि अब उसका दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था एंड अनफॉर्चुनेटली बैंक का कंट्रोल भी उसके पास ही था, तो उसने उस आदमी को तुरंत 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए और साथ में अपनी बैंक डिटेल्स भी उसे व्हाट्सएप कर दी। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा और एक दो दिन में 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ था। 2 दिन तक शुभम को कोई फोन नहीं आया और ना ही उसके बैंक अकाउंट में कोई पैसे आए, तो उसने दोबारा उस आदमी को फोन किया। इस बार उस फ्रॉड ने शुभम को कहा कि हम आपके 10,000 रुपए वापस आपके अकाउंट में डाल रहे हैं क्योंकि कंपनी की पॉलिसी चेंज हो चुकी है एंड अब लॉटरी का अमाउंट 10 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गया है एंड न्यू पॉलिसी के हिसाब से अब फ्रीजिंग अमाउंट 10,000 रुपए नहीं बल्कि 1 लाख रुपए हो गया है, इसलिए हमें आपकी लॉटरी कैंसिल करनी पड़ेगी। अब जब शुभम को उसके सपने टूटते हुए नजर आए तो उसने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि लॉटरी उसी के पास रहे। अब उस आदमी को यकीन हो गया था कि शुभम उसके झांसे में आ चुका है, तो उसने शुभम से कहा कि चलो मैं कुछ करता हूं आपके लिए। 1 घंटे बाद दोबारा उस आदमी का फोन आया और उसने शुभम को कहा कि कंग्रेचुलेशंस, आप 50 लाख के मालिक बन गए हो और अब सिर्फ 24 घंटों का टाइम है, बैलेंस अमाउंट 90,000 रुपए ट्रांसफर कर दो वरना लॉटरी रोटेट हो जाएगी। उसने झूठ बोलकर अपनी मम्मी से कॉलेज की फीस के नाम पर 1,20,000 रुपए मांगे और उसकी मम्मी ने भी तुरंत बैंक जाकर FD तुड़वाई और शुभम के अकाउंट में पैसे डलवाए। लेकिन अकाउंट में पैसे आते ही शुभम ने तुरंत 90,000 रुपए उस आदमी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। 4 दिन तक शुभम को उस आदमी का कोई कॉल नहीं आया और एक दिन जब शुभम अपनी क्लास में बैठा हुआ था तो उसकी कॉलेज की डीन उसकी क्लास में आती है और आकर अनाउंसमेंट करती है कि फीस सबमिट करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है और जो नहीं भरेगा उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। शुभम ने क्लास ओवर होते ही तुरंत उस आदमी को फोन किया तो उस आदमी ने शुभम को गंदी गंदी मां बहन की गालियां सुनाई और फोन काट दिया। अब शुभम को रियलाइज हुआ कि वो आदमी कौन बनेगा करोड़पति से नहीं था बल्कि एक फ्रॉड था। अब शुभम का कोई खास दोस्त था नहीं जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके या उससे पैसे मांगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मम्मी को सब बता देगा। वो घर जाता है और जैसे ही घर में एंट्री करता है तो उसकी मम्मी कहती है कि
बेटा पापा की कंपनसेशन के बस यही पैसे बचे थे, अब तो जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर और कोई जॉब कर। और ये सुन के उसके ऊपर एक और पहाड़ टूटा। बड़ी मुश्किल से वो खुद को समझाता है कि अब पुलिस ही उसकी कोई हेल्प कर सकती है। अगले दिन कॉलेज से वापस आते वक्त वो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से पहले ही वो बाहर से वापस लौट आता है, क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि अगर पुलिस को पता चल गया तो ऑब्वियसली उसके घर पर भी पता चल ही जाएगा। अब वो रास्ते में था तो सोचता है कि मम्मी को सब बता ही देता हूँ। तो जिस घर में उसकी मम्मी साफ सफाई का काम करती थी वो वहां पहुंचता है और देखता है कि वो घर हाईकोर्ट के एक वकील का है। उसके दिमाग में एकदम से स्पार्क हुआ और अब उसको एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताता एंड जैसे उसकी मम्मी का काम खत्म होता है वो अपनी मम्मी को वापस घर भेज देता है और बहाने से खुद उस लॉयर के घर में ही रुक जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लॉयर रूम में आता है तो शुभम उनके सामने फूट फूट कर रोने लगता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जो भी अब वो बताने वाला है वो उसकी मम्मी को ना बताया जाए। इसके बाद वो उन्हें सारी बात बताता है एंड वो लॉयर शुभम की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड लीगल प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और वो शुभम को बताते हैं कि जो लोग ये कौन बनेगा करोड़पति की फेक लॉटरी चला रहे हैं ये चीटिंग विद पर्सनेशन का केस है। इसमें फ्रॉड लोग किसी और का नाम यूज करके या किसी और की पर्सनैलिटी को यूज करके लोगों से पैसे ऐंठते हैं और इस क्राइम के लिए एज पर सेक्शन 419 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड इन लोगों को 7 साल की जेल होगी। लेकिन पैसे वापस आएंगे या नहीं इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। बट शुभम के लिए इन लोगों को जेल भेजने से ज्यादा जरूरी उसके 1,00,000 रुपए थे। लेकिन दूसरी तरफ कॉलेज वाले शुभम पर फीस सबमिट करने का प्रेशर बना रहे थे और फ्रॉड लोगों की दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। और अचानक ठीक 11 दिन बाद शुभम को एक फोन आता है और वो फोन पुलिस स्टेशन से था और वो शुभम को बताते हैं कि एक गैंग पकड़ा गया है और उनसे कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। शुभम अपनी क्लास बीच में ही छोड़ के कॉलेज से भागता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां उसे एक पुलिस वाला बताता है कि ये वो वाला गैंग नहीं है, थे ये भी कौन बनेगा करोड़पति वाले, लेकिन ये वो गैंग नहीं था जिसने शुभम को चूना लगाया है। और दूसरी तरफ कॉलेज वाले शुभम की मम्मी को फोन करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि शुभम की फीस अभी तक नहीं आई है। और जब शुभम पुलिस स्टेशन से वापस घर पहुंचा तो उसकी मम्मी उसका वेट कर रही थी और उससे बोलती है कि मुझे कॉलेज फीस की रिसीट चाहिए। उसने अभी भी झूठ का साथ नहीं छोड़ा था, वो बोलता है कि कॉलेज वाले रिसीट बाद में इशू करेंगे। उसकी मम्मी खींच के उसे एक थप्पड़ मारती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शुभम ने वो सारे पैसे जुए में या किसी गलत काम में उड़ा दिए। इतने में दोबारा शुभम को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और वो उसको बोलते हैं कि आप अभी तक थाने नहीं पहुंचे हो, आपको लूटने वाला गैंग तो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है। शुभम ने अपनी मम्मी के सामने ही फोन पर रिप्लाई किया कि वो अभी थाने से ही वापस आया है और एक पुलिस वाले ने उसे बताया है कि ये वो गैंग नहीं है जिसने उसके साथ फ्रॉड किया है। इधर थाने वाला कहता है कि शायद आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ये वही केबीसी वाला गैंग है और आपके सारे पैसे बरामद हो चुके हैं और इन लोगों का बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया गया है। शुभम की आंखों में आंसू थे और इस बार खुशी के, वो अपनी मम्मी को सब कुछ सच बता देता है और उसके बाद अपने लॉयर को फोन करके सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। केस के दौरान शुभम को उसके सारे पैसे वापस मिल गए और उसको जिंदगी भर की एक सीख भी मिल गई। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि अगर वो लीगल स्टेप नहीं लेता तो गैंग के पकड़े जाने के बावजूद भी उसको उसके पैसे वापस नहीं मिलते, क्योंकि उसके साथ हुई चीटिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता तो पुलिस उसको पैसे क्यों दे। और दूसरी सीखने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम्स छुपाने से बढ़ती हैं और बांटने से कम होती हैं, क्योंकि अगर शुभम प्रॉब्लम ही शेयर नहीं करता तो शायद ना ही वो कंप्लेंट फाइल करता और ना ही उसके पैसे उसे वापस मिलते। लेकिन प्रॉब्लम शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि किसी से भी शेयर कर दो, प्रॉब्लम हमेशा किसी ऐसे इंसान से शेयर करो जो समझदार हो ना कि बेवकूफ़।